अब रुक करते हैं कानपुर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर से, जहां पर आपको जानकारी दें उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कानपुर जू से भेजे गए सैंपल्स में पुष्टि हुई है, जू में मरे दो जंगली मुर्गी में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। ये बड़ी खबर, प्रशासन ने पक्षियों के बाड़े को किया है सील। जी हाँ, प्रशासन ने पक्षियों के बाड़े को सील कर दिया है। ये बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर अब कानपुर से जो सैंपल्स भेजे गए थे उसमें दो मुर्गियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, यानी कि जो बर्ड फ्लू की पुष्टि है वो यहां पर हो चुकी है। कानपुर जू से भेजे गए सैंपल्स में पुष्टि हुई है, जू में मरे दो जंगली मुर्गी में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने पक्षियों के बाड़े को यहां पर सील भी कर दिया है। बर्ड फ्लू को लेकर उठाए जा रहे हैं एहतियातन कदम। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, लगातार हम आपको बता रहे हैं कानपुर से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है। कानपुर जू से भेजे गए सैंपल्स में इस फ्लू की पुष्टि हुई है। जू में मरे दो जंगली मुर्गी में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी, प्रशासन ने पक्षियों के बाड़े को सील कर दिया है। बर्ड फ्लू को लेकर उठाए जा रहे हैं एहतियातन कदम। ये अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, लगातार हम आपको बता रहे हैं कानपुर से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है। कानपुर जू में भेजे गए सैंपल्स में भी पुष्टि हुई है। जी हां, कानपुर जू में से कुछ सैंपल्स जो है वो भेजे गए थे जांच के लिए, लेकिन अब उसमें पुष्टि हो चुकी है। जू में जो दो मुर्गियां मरे थे उनकी रिपोर्ट में पुष्टि हुई है इस फ्लू की। बर्ड फ्लू को लेकर अब उठाए जा रहे हैं एहतियातन कदम। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, लगातार हम आपको बता रहे हैं।